Yes, so let us see the next concept in this chapter, which we have discussed last time. तो लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि एक्सेलरेशन किस तरह से डिफाइन किया जाता है, बराबर। तो उसमें हमने एक बात देखी थी कि एक्सेलरेशन डिफाइन करने के लिए हमको क्या करना होता है। सो बेसिकली वी हैव टू कंसीडर द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, करेक्ट है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्चुअली कॉल्ड एज एक्सेलरेशन, बराबर। सो देखो अभी ठीक से, ठीक है, देखो तो यहाँ पे हमने देखा था कि ओके ठीक है। तो देखो यहाँ से तो जो बताया था कि व्हेनेवर द व्हीकल्स स्टार्ट एट द सेम टाइम, द व्हीकल व्हिच हैज ग्रेटर एक्सेलरेशन ऑलवेज लीड्स द अदर व्हीकल्स एंड दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन हैज टू डू समथिंग विथ हाउ फास्ट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल चेंजेस, बेसिकली। तो कोई भी पार्टिकल का जो स्पीड है वो कितना जल्दी जल्दी चेंज होता है, तो वो मेजर करने वाला जो क्वांटिटी है वो एक्चुअली एक्सेलरेशन कहलाता है, याद रखो ठीक से। तो जैसे कि अभी यहाँ पे हमने देखा कि अच्छा, तुमको एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कि अगर मान लो एक व्हीकल है, इस व्हीकल का, व्हीकल मतलब कुछ भी हो सकता है, सपोज चलो कार है या कोई भी एक फोर व्हीलर है सपोज, ठीक है, उसका स्पीड जो है वो है सपोज 20 मीटर पर सेकेंड, और वो बढ़ जाता है 80 मीटर पर सेकेंड तक इन सपोज 4 सेकेंड्स, ओके 4 सेकेंड्स, ओके। एंड सपोज देयर इज एरोप्लेन एट द सेम टाइम, ओके, इमेजिन करो एक एरोप्लेन है ऊपर आसमान में उड़ता हुआ, ये सपोज एरोप्लेन है और ये एरोप्लेन उड़ रहा है, उसका वेलोसिटी जो है वो है 200 मीटर पर सेकेंड, सी हियर 200 मीटर पर सेकेंड स्पीड से वो उड़ रहा है, और उसका जो स्पीड है वो चेंज होता है और बनता है सपोज 240 मीटर पर सेकेंड इन सपोज सेम दैट इज 4 सेकेंड्स। कैन यू टेल मी विच वन हैज ग्रेटर एक्सेलरेशन एंड व्हाई, व्हीकल और एरोप्लेन, कौन बताएगा? यस वेरी गुड पार्थ, हैव करेक्ट गिवन द करेक्ट आंसर, दैट इज व्हीकल। व्हीकल हैज द more amount of acceleration because see here, acha agar tumko pucha which of these two have great amount of speed, which of the two have great speed, speed kiska jyada hai? Aeroplane, very good, aeroplane ka speed bahut jyada hai, 200 meter per second is not a joke, it's very very high speed, but its speed changes only by 40 meter per second in
4 seconds, that means its speed is changing per second. तो इसका जो स्पीड है वो 40 मीटर पर सेकेंड 4 सेकेंड में बढ़ गया ना, तो 1 सेकेंड में कितना बढ़ा? तो कैन से दैट 10 मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड, ये हो गया उसका स्पीड का इंक्रीज होने का रेट। इसको हम बोलते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो ठीक से, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो उसका यूनिट आता है वो इधर से ही आता है, बिकॉज इट इज मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड, एंड दैट्स व्हाई द एरोप्लेन हैज अ एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, बट इफ यू टॉक अबाउट द व्हीकल, देन वी सी द स्पीड ऑफ द व्हीकल इज वेरी स्मॉल, अबाउट 220 मीटर पर सेकेंड ओनली, नो डाउट 20 मीटर पर सेकेंड, बट दिस स्पीड चेंजेस बाय 60 मीटर पर सेकेंड। तो देखो यहाँ पे इसका जो स्पीड है वो चेंज कितना हुआ, 20 से 80 तक चेंज हो गया, मतलब कितना हुआ चेंज, 60 का चेंज हुआ। तो द स्पीड चेंजेस बाय 60 मीटर पर सेकेंड इन 4 सेकेंड्स अगेन, दैट मीन्स पर सेकेंड इफ वी सी, तो 60 मीटर पर सेकेंड इन 4 सेकेंड्स, दैट मीन्स 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड, ये हो गया उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड दैट्स व्हाई वी कैन राइट इट एज 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड दिस इज गोइंग टू बी द एक्सेलरेशन ऑफ द व्हीकल, सो सी विच इज ग्रेटर देन दिस वन डेफिनेटली। So here we can compare the accelerations and say that the acceleration is 10 meter per second square for the aeroplane, whereas it is 15 meter per second square for vehicle. How we have found out this acceleration? The acceleration कैसे हमने निकाला? उसके लिए फॉर्मूला जो हमारे पास है v माइनस यू अपॉन टी। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि एक्सेलरेशन अगर कॉन्स्टेंट है और एक ही डायरेक्शन में अगर बॉडी अगर मूव कर रहा है तो ऐसे केस में ये फॉर्मूला चल जाएगा, ठीक है चल जाएगा। बट क्या है कि अगर कभी कभी क्या होता है कि बॉडी जो है वो एक ही डायरेक्शन में मूव नहीं हो रहा होता है। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बोला गया है कि सपोज एक व्हीकल है, मान लो कि एक व्हीकल है तो और ये इस तरफ जा रहा है अभी फिलहाल, बट इसका जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी हम मान लेते हैं सपोज 40 मीटर पर सेकेंड। ओके, अभी सपोज कि कुछ देर के बाद वो धीरे धीरे टर्न होते 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 सपोज ऐसा बन गया, और यहाँ पे अभी भी वो सपोज 40 मीटर पर सेकेंड इस स्पीड से मूव कर रहा है। मुझे बताओ, द मिलियन डॉलर क्वेश्चन इज हियर दैट वेदर दिस व्हीकल, मोशन ऑफ द व्हीकल इज एक्सिलरेटेड और नॉट। यस, आंसर दिस क्वेश्चन फास्ट। व्हीकल का जो स्पीड है वो जब वो यहां पे था तो उस समय 40 मीटर पर सेकेंड था, और जब ये व्हीकल यहाँ पे आता है तो उसका स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड है इस तरफ। तो अभी सवाल ये है कि व्हीकल का जो मोशन है वो एक्सेलरेटेड है या एक्सेलरेटेड नहीं है, मतलब इन इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल इज कॉन्स्टेंट और नॉट, वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल इज कॉन्स्टेंट और वेरिएबल। ओके, वेरिएबल मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स वेलोसिटी विल बी कॉन्स्टेंट। यस यस, कौन बोल रहा था? ओके चलो ठीक है, वेरी गुड, सियोना हैज गिवन द आंसर दैट इट इज नॉट कॉन्स्टेंट। ओके, आई लाइक टू आस्क ऑल ऑफ यू वंस मोर, वंस अगेन, दैट जस्ट थिंक अबाउट द डायरेक्शन एंड टेल मी whether the velocity is constant or variable.
देखो वैसे अगर रफली अगर सोचा जाए, रफली जब हम सोचते हैं, जस्ट हमारे जो इंट्यूशन यूज करके जब सोचते हैं, तो पता चलता है कि अरे यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड था, यहाँ पे वेलोसिटी जो है 40 मीटर पर सेकेंड था, फिर अभी वेलोसिटी जो है वो अगर नंबर के हिसाब से अगर देखिए तो 40 और 40, यहाँ पे भी 40 वहां पे भी 40 है, तो नंबर में तो कुछ चेंज हुआ ही नहीं है। लेकिन ये किसको पता है, कितने लोग ये जानते हैं कि वेलोसिटी ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी इज सपोज टू बी चेंज्ड व्हेन आइदर इट्स मैग्नीट्यूड चेंजेस और इट्स डायरेक्शन चेंजेस। जस्ट थिंक अबाउट इट, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड द वेक्टर क्वांटिटी इज सपोज टू बी चेंज्ड व्हेन आइदर इट्स मैग्नीट्यूड चेंजेस और इट्स डायरेक्शन चेंजेस। दैट मीन्स अगर मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन इन दोनों में से कोई भी एक अगर चेंज होता है तो भी हम क्या कहेंगे, तो वो वेक्टर क्वांटिटी चेंज होता है, ऐसा हमको बोलना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि आप 40 मीटर पर सेकेंड से उसका वेलोसिटी जो है 50 बन जाए या 60 बन जाए या 30 बन जाए तभी हम उसको बोलेंगे वेलोसिटी चेंज हो गया। नहीं, वी कैन से दैट वेलोसिटी हैज बीन चेंज्ड इवन इफ इट्स डायरेक्शन इज चेंज्ड, नॉट द मैग्नीट्यूड। यहाँ पे मैग्नीट्यूड सिर्फ कॉन्स्टेंट है ना, 40 मीटर पर सेकेंड ये क्या है, उसका मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन कौन सा है, डायरेक्शन हम बोल सकते हैं यहाँ पे इट इज टुवर्ड्स द ईस्ट, करेक्ट है, इसको ईस्टवर्ड बोलेंगे। और अगर वो डायरेक्शन उसका इस तरफ नीचे चल नीचे नीचे की तरफ हो गया तो इसका मतलब अभी इसका डायरेक्शन कौन सा है, साउथ है, करेक्ट है। तो ईस्ट ये डायरेक्शन और साउथ ये डायरेक्शन, क्या ये अलग नहीं है? अगर हम वेक्टर्स ड्रॉ करेंगे तो एक वेक्टर अगर हम ड्रॉ करते हैं ऐसा, मान लो कि एक वेक्टर हमने ड्रॉ किया, ऐसा वेक्टर ड्रॉ किया सपोज, ठीक है, इसको हमने बोल दिया ए बार, ओके। और दूसरा एक वेक्टर हमने ड्रॉ किया ये ऐसा, देखो ठीक से, भले उसका मैग्नीट्यूड दोनों का सेम ही है, इसको हमने बोल दिया बी बार। कैन वी से दैट ए बार इज इक्वल टू बी बार? चेक, नॉट एट ऑल। हमने ये बेसिक कंसेप्ट वेक्टर में ही अगर ऑलरेडी देखा है कि ये जो वेक्टर है और ये जो वेक्टर है ये कभी इक्वल वेक्टर हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इक्वल वेक्टर्स होने के लिए क्या जरूरी है, इक्वल वेक्टर सिर्फ वो वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो और डायरेक्शन भी इक्वल हो, करेक्ट है। तो इसलिए है देखा जाता कि इक्वल वेक्टर सिर्फ उनको कहा जाता है जिनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों इक्वल हो। अगर मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन डायरेक्शन इक्वल नहीं है तो उनको हम इक्वल वेक्टर्स नहीं बोल सकते हैं, और अगर समझो डायरेक्शन इक्वल है लेकिन मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है तभी भी उनको हम इक्वल वेक्टर्स नहीं बोल सकते हैं। तो वेक्टर्स इक्वल होने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का इक्वल होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वी कैन नॉट कॉल देम एज इक्वल वेक्टर्स। सो अभी इसका कंक्लूजन फिर क्या हुआ, अगर हम इन दोनों को इक्वल वेक्टर्स नहीं बोल सकते हैं तो हाउ कैन वी से दैट द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, हाउ कैन वी से दैट द वेलोसिटी एट दिस पॉइंट हियर डायरेक्टेड टुवर्ड्स ईस्टवर्ड्स इज सेम एज द वेलोसिटी एट दिस पॉइंट हियर व्हिच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स साउथ। सो दे आर डिफरेंट वेलोसिटीज, रिमेंबर देयर वेलोसिटीज आर डिफरेंट, द वेलोसिटी हैज बीन चेंज्ड। ओके, तो अभी मुझे चैट बॉक्स में सभी आंसर डालो फिर से एक बार कि इज द वेलोसिटी कॉन्स्टेंट। नो, नॉट नॉट कॉन्स्टेंट, यस, वेरी गुड। चलो अभी अभी चलो, अभी 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 इस ठीक है, अभी चैट बॉक्स बंद करो और अभी मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो, हमने अभी एक्सेप्ट किया कि वेलोसिटी हैज बीन चेंज, ओके, वेलोसिटी इज नॉट अ वेरिएबल, वेलोसिटी इज चेंज्ड। अभी क्वेश्चन ये है बाय व्हाट अमाउंट, अभी इसका आंसर डालो चैट बॉक्स के अंदर, वापिस कंफ्यूज हो गए, बाय व्हाट अमाउंट द वेलोसिटी हैज बीन चेंज्ड, क्या कहेंगे, व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि एक्सिलरेशन डिफाइन करने के लिए हमको चेंज इन वेलोसिटी तो चाहिए, वी माइनस यू अपॉन टी। अब ये मत डालो जीरो, जीरो जीरो कौन डाल रहा है, नहीं कोई नहीं, चलो ठीक है। देखो चेंज इन वेलोसिटी
अब यहाँ पे एक्सेलरेशन डिफाइन किया जाता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. इफ वी से दैट चेंज इन वेलोसिटी इज जीरो देन इट्स मीनिंगलेस. देन दैट मींस द चेंज इन वेलोसिटी इज जीरो मींस वेलोसिटी हैज नॉट चेंज. दैट मींस वेलोसिटी कांस्टेंट. फिर से तुम वही गड़बड़ कर रहे हो. ठीक है, दैट इज नॉट द सोल्यूशन. सो आंसर इज क्वेश्चन इज दैट वेलोसिटी हैज बीन चेंज्ड बाय व्हाट अमाउंट इट हैज चेंज्ड. व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी. हाउ विल यू फाइंड आउट. यहाँ पे क्या लिखेंगे चेंज इन वेलोसिटी के बदले, क्या लिखेंगे? क्या 40 लिखेंगे? बिल्कुल नहीं. या ये 40 लिखेंगे? बिल्कुल नहीं. तो क्या लिखेंगे? 40 माइनस 40 लिखेंगे? क्या लिखेंगे? तुमको थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हूं. देखो ठीक से, कौन कौन इसका आंसर करेक्ट बताएगा, चेक करो एक बार. व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी? वी कैन नॉट से 40 माइनस 40, दैट इज जीरो. इफ वी से दैट द चेंज इन वेलोसिटी इज जीरो, दैट मींस वी आर एग्रीइंग दैट वेलोसिटी हैज बीन कांस्टेंट, वेलोसिटी हैज नॉट बीन चेंज्ड. बट दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर. ऑलरेडी हमने अभी अभी देखा कि वेलोसिटी हैज बीन चेंज्ड. The question, the next question is that what is the change in velocity? How will you find out the change in velocity? Yes, anybody? Are -40 -40 Dhruv, Parth, how you are doing that? -40 -40 matlab -80? No. Zero. Vir is saying zero. That means Vir is accepting that the velocity is constant. That means the velocity has not been changed. Just things. Hello? Manjali? ओके सोचा किसी ने? ठीक है, तो देखो ठीक से. अभी यहाँ पे Atharv is close to the answer. Actually, he has asked that do we have to draw the vector from initial point to final point? No, not from initial point to final point. I will tell you. See here. देखो ठीक से. जैसा कि अभी अभी हमने देखा कि क्वेश्चन में ये दिया था कि देखो द वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी इज दिस वे, करेक्ट है? तो इनिशियली द पार्टिकल वॉज मूविंग दिस वे, राइट? एंड आफ्टर सम टाइम इट हैज टर्न थ्रू दिस 90 डिग्री एंड मूविंग दिस वे नाउ. ओके, सो जस्ट टेक दिस एज अ वेक्टर्स. ये दोनों को वेक्टर्स के तरह ट्रीट करो. इसको बोल दो V1 बार. ओके, ये सपोज हमारा एक वेक्टर बन गया, इसको हम बोल देंगे V1 बार. चलेगा? दिस इज योर V1 बार, मतलब इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर. ओके, अभी दूसरा जो वेक्टर है ये वाला, वो भी यहाँ पे कॉपी करो. चलो ठीक है, ये हो गया हमारा V2 बार. ओके,
वी टू बार, यस दिस इज गोइंग टू बी वी टू बार। अभी हमको करना क्या है, हमको चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, करेक्ट है, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, वी टू बार माइनस वी वन बार, राइट राइट है। तो अभी देखो चेंज का मतलब होता है वी टू बार माइनस वी वन बार। अभी वी टू बार माइनस वी वन बार को वी टू बार प्लस माइनस वी वन बार ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, चेक करो एक बार ठीक से। वेक्टर में ही हमने देखा था दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना, माना क्या, दूसरे वाले वेक्टर का नेगेटिव पहले वाले वेक्टर के अंदर ऐड करने जैसा होता है। तो हम क्या करना है यहाँ पे, हमको तो माइनस वी वन बार हमको ढूंढ के निकालना है। वेयर इज माइनस वी वन बार, कैन यू सी, सी हियर, वी वन बार अगर ऐसा है तो माइनस वी वन बार जो है वो ऐसा बनेगा। उसको सपोज हम चाहिए तो दूसरे कलर से एक्सप्रेस करते हैं, येलो कलर से एक्सप्रेस करते हैं, चलो चलेगा। ये देखो तो ये जो माइनस वी वन बार है वो हम इस तरफ ड्रॉ करेंगे, ये ऐसा है, देखो दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी माइनस ऑफ वी वन बार, समझा ठीक से, माइनस वी वन बार। एंड नाउ वी हैव टू जस्ट एड दिस टू वेक्टर्स वी टू बार एंड माइनस वी वन बार, एंड दैट एडिशन विल एक्चुअली बी द सब्ट्रैक्शन ऑफ दिस टू वेक्टर्स वी वन बार एंड वी टू बार, यस। सो वी कैन से दैट दिस वेक्टर, अभी यहाँ पे ये पैराग्राम हम ड्रॉ करेंगे इस टाइप का, और इस पैराग्राम का जो डायगोनल बनता है तो वो डायगोनल एक्चुअली इन दोनों का रिजल्टेंट बनेगा, और ये रिजल्टेंट माना ही एक्चुअली क्या रहेगा, इसका डिफरेंस रहेगा, इन दोनों का डिफरेंस रहेगा, किसका, वी वन बार और वी टू बार, इन दोनों का डिफरेंस रहेगा, समझा क्या ठीक से। सो दिस वी टू बार इज एक्चुअली गोइंग टू बी द चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर हियर। सो अभी अगर यहाँ पे, अच्छा और एक टेक्निक है तुमको, एक सिंपल टेक्निक बताता हूँ। अगर मान लो हमको ये निगेटिव वेक्टर नहीं ड्रॉ करना है तो भी हम कर सकते हैं, देखो कैसे। ये देखो सपोज हमने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, ये देखो ठीक से इधर, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट अगर मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है, तो ये जो वेक्टर बनता है इसको अगर मैं बोल देता हूं डेल्टा वी बार, ओके कोई कुछ भी बोल सकता हूं मैं, ठीक है ना। तो अभी यहां पे देखो कि अच्छा नहीं तो ऐसा करते हैं, उसका जो डायरेक्शन है ना, तो डायरेक्शन अपोजिट करते हैं, ये हो गया उसका डायरेक्शन, ये देखो मतलब इधर से इधर तक ऐसा उसका डायरेक्शन है सपोज, ठीक है। तो अभी देखो इसको अगर हम बोल देते हैं डेल्टा वी बार, दिस इज सपोज डेल्टा वी बार, ओके। सो कैन वी से दैट दिस वी वन बार प्लस डेल्टा वी बार इज गोइंग टू बी वी टू बार अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ, चेक। बिकॉज सी हियर इफ वी यूज दिस वेक्टर, ये एक वेक्टर है, और उसके अंदर अगर हमने ये वाला वेक्टर अगर ऐड किया तो क्या मिलेगा हमको, ये वाला वेक्टर मिल जाएगा, राइट। तो इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि वी वन बार प्लस डेल्टा वी बार इज एक्चुअली गोइंग टू बी वी टू बार, करेक्ट है। सो दैट डेल्टा वी बार कैन बी रिटन इक्वल टू व्हाट, वी टू बार माइनस वी वन बार, एंड दैट इज गोइंग टू बी द चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। तो ये देखो ये वी टू बार माइनस वी वन बार कौन है, ये थर्ड वेक्टर जो इन दोनों के एंड पॉइंट्स कनेक्ट करके हमको मिलता है। तो देखो ठीक से अभी अगर न्यूमेरिकली देखेंगे तो ये 40 है मीटर पर सेकेंड, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 40 है, तो इसका मतलब ये एसोसिएट राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल तो है ना वो, क्योंकि ये 90 डिग्री है और ये दोनों साइड्स 40 40 है, इसका मतलब वो एसोसिएट ट्राइंगल भी हो गया। तो एसोसिएट ट्राइंगल के अंदर जो सामने वाला साइड होता है वो हर एक साइड के रूट टू टाइम्स होता है, ये बात पता है तुमको, देखो ठीक से, क्योंकि ये जब राइट एंगल ट्राइंगल हो गया और वो भी आइसोसेलेस है तो इसका मतलब ये एंगल जो है वो दोनों 45 45 होंगे, राइट। तो इसका मतलब वो 45 45 90 वाला ट्राइंगल हो गया, तो 45 45 90 वाले ट्राइंगल के अंदर जो हाइपोटेनियस होता है वो हर एक साइड का रूट टू टाइम्स होता है, और हर एक साइड हाइपोटेनियस के 1/√2 हुआ करता है, ये बात अगर याद करो तो इससे हमको क्या मिलता है, डेल्टा वी इज इक्वल टू √2 ऑफ बी, ये हमको मिलता है वी वन और वी टू कोई भी। तो इसलिए फिर √2 ऑफ वी मतलब क्या, 40, करेक्ट है, जिसको हम लिख सकते हैं आराम से, दिस विल बी एक्चुअली 40 × √2, समझा क्या ठीक से कैसे। सो डेल्टा वी विल बी ऑफ मैग्नीट्यूड 40 × √2, देखो ठीक से। तो वैसे तो चेंज डायरेक्शन में हुआ है लेकिन वो चेंज इन वेलोसिटी कितना मिल रहा है हमको,
40√2 m/s. दिस इज द मेथड टू फाइंड आउट द चेंज इन वेलोसिटी. देखो ठीक से इधर. तो अभी हमने क्या किया, जैसे हमको वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी पता था, फर्दर वेलोसिटी पता था, तो उससे हमने चेंज इन वेलोसिटी निकाल दिया और उसके लिए हमने ये वेक्टर मेथड यूज किए. तो वेक्टर मेथड यूज करना जरूरी होता है जब हमको चेंज इन वेलोसिटी निकालना पड़ता है. तो ये बात अच्छी तरह से याद रख लो, दिमाग में फिट कर लो अभी ठीक से. ठीक है, व्हाट इज द, हाउ टू फाइंड आउट द चेंज इन वेलोसिटी व्हेन द डायरेक्शन इज चेंजिंग, यू हैव टू यूज द वेक्टर मेथड्स. चलो अभी और एक क्वेश्चन पूछता हूं तुमको कि अभी देखो, अगर चेंज इन वेलोसिटी तुमको निकालना है तो देखो, सपोज पहला जो वेलोसिटी है वो सपोज 20 m/s है और फाइनल वाला जो वेलोसिटी है वो सपोज उसके साथ एक 30 degree इतना एंगल बना रहा है. सपोज ये फाइनल वेलोसिटी है और उसका भी मैग्नीट्यूड 20 ही है, चलो सॉरी 60 degree एंगल बना रहा है सपोज. ठीक है, तो ये दोनों के बीच में 60 degree एंगल है और इन दोनों के बीच में का हमको चेंज निकालना है. फाइंड आउट द चेंज इन वेलोसिटी, व्हाट विल द चेंज इन वेलोसिटी हियर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी व्हेन द टू वेलोसिटीज आर इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 degree विद ईच अदर. ये V1 बार का मैग्नीट्यूड है, ये V2 बार का मैग्नीट्यूड है, ये दोनों वेलोसिटीज 60 degree पे इंक्लाइंड है. दिस इज गोइंग टू बी एक्चुअली द चेंज इन वेलोसिटी, राइट? What will be the magnitude of change in velocity? Tell me fast. Yes, work it out fast. Okay, चलो ठीक है, मैं कर देता हूँ. देखो ठीक से यहाँ पे कि ये 20 m/s है और ये 20 m/s है, बराबर? तो अभी ये जो थर्ड साइड होगा, तो ये थर्ड साइड एक्चुअली इस ट्रायंगल का थर्ड साइड है, ये नहीं? और ये ट्रायंगल कौन से टाइप का है समझा तुमको? ये देखो, इस दो साइड के बीच में एंगल 60 degree है और इसकी ये दोनों साइड्स इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है. इसका मतलब ये ट्रायंगल कौन से टाइप का हो गया? वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया. देखो आइसोसेलेस तो वो वैसे भी था और आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर अगर दो साइड्स के बीच में अगर 60 degree एंगल होता है तो ये दोनों बाकी जो जो एंगल्स है वो भी तो 60-60 होंगे हर एक. तो इसलिए अगर 60-60 एंगल है तो इसके अपोजिट वाला जो साइड है वो भी उतना ही होगा जितने ये दोनों साइड्स दिख रहे हैं. तो तीनों साइड सेम होंगे मतलब, क्योंकि वो इक्विलेटरल एंगल बनेगा. और इसलिए चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 20 m/s ही होगा. बिल्कुल देखो ठीक से, द इनिशियल वेलोसिटी इज 20 m/s, फाइनल वेलोसिटी इज 20 m/s एंड चेंज इन वेलोसिटी इज ऑल्सो 20 m/s. See how strange this is. तो देखो यहाँ पे कि मतलब इसका ये मतलब भी होता है कि 20 m/s के अंदर 20 m/s का चेंज होने के बाद फिर से 20 m/s ही बनता है. This is possible in vectors only. Remember. तो यहाँ पे vectors के अंदर ही ये possible होता है. Otherwise वैसे normal numbers के अंदर तो ऐसा होता नहीं है कभी भी कि 20 के अंदर 20 का चेंज होके 20 बन जाए, कभी होता नहीं है. लेकिन वेक्टर्स के अंदर ऐसा पॉसिबल है क्योंकि वेक्टर्स के अंदर डायरेक्शन भी हमको कंसीडर करना पड़ता है. और ये तीनों वेक्टर्स जो हम देख रहे हैं क्लियरली कि यहाँ पे 60 degree इंक्लाइंट है, 60 degree पे इंक्लाइंट है हमें हर एक के साथ. तो इसीलिए हम यहाँ पे पा रहे हैं कि 20 m/s ये इनिशियल वेक्टर है, 20 m/s ये फाइनल वेक्टर है और इन दोनों के अंदर का जो चेंज इन वेक्टर है, चेंज इन वेलोसिटी जो है वो भी 20 m/s है. यस सर, विल इट बी नेसेसरी टू प्रूव इट इट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल? यस, वी कैन प्रूव इट इजीली दैट इट्स अ इक्विलेटरल ट्रायंगल. सी हियर, दीज टू वेक्टर्स आर एट 60 degree इंक्लाइंड, ये तो कंफर्म है. अभी ये जो पहला इनिशियल वेलोसिटी का जो वेक्टर था उसका मैग्नीट्यूड 20 m/s है और ये जो वेक्टर है इसका भी मैग्नीट्यूड 20 m/s है. मतलब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये तो क्लियर हो गया. तो इसका मतलब वो आइसोसेलेस ट्रायंगल तो वैसे भी है. और अभी अगर हम ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो उस ट्रायंगल के अंदर जो अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के जो सिमिलर साइड्स होते हैं ना, इक्वल साइड्स, उनके अपोजिट के एंगल्स भी तो इक्वल होते हैं. ये बात पता है तुमको, ये एंगल और ये एंगल, बेस एंगल्स जो है वो इक्वल होंगे जरूर. अगर इसको हमने थीटा मान लिया और इसको भी अगर थीटा मान लिया सपोज, चलो
तो क्योंकि ये दोनों सेम क्यों है समझा ठीक से, क्योंकि वो दोनों वो आइसोसेलस ट्रायंगल है, और आइसोसेलस ट्रायंगल क्यों है क्योंकि ये 20 मीटर पर सेकेंड 20 मीटर पर सेकेंड इक्वल है, तो इक्वल साइड्स के सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं आइसोसेलस ट्रायंगल के अंदर, ये बात हमको यूज करनी है, जिससे ये अगर थीटा मान लो तो ये भी थीटा ही हमको बोलना पड़ेगा। और जैसा कि हमको पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का एडिशन कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो इसलिए फिर यहाँ पे 60 प्लस थीटा will be equal to 180 and hence we can get that 2 theta is actually equal to 180 minus 60 which gives 2 theta is equal to 120 which means theta must be equal to 60 and since theta is 60 both of these are theta only right, so इसलिए फिर यहाँ पे ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। और ये भी याद करो कि किसी भी ट्रायंगल के तो तीनों एंगल्स अगर 60 60 60 बनते हैं तो वो हमेशा इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, और उस एवरी इक्विलैटरल ट्रायंगल द साइड ऑल द थ्री साइड्स आर ऑलवेज इक्वल राइट। सो इसलिए अगर ये 20 है और ये 20 है तो जरूर ये भी 20 होगा, तो इसलिए फिर ये जो थर्ड साइड हमको मिल रहा है वो चेंज इन वेलोसिटी है और वो भी यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड के बराबर ही मिल रहा है, तो इसीलिए देखा जाता कि ये जो ट्रायंगल है ये ट्रायंगल इक्विलैटरल तो है और उसका जो थर्ड साइड है वो हमको 20 डिग्री मिल रहा है। चलो ठीक है समझा ठीक से, इज देयर एनी डाउट अगेन? ओके तो हमने ये जो है चेंज इन वेलोसिटी निकाल लिया, सो इन दिस वे वी हैव टू फाइंड आउट द चेंज इन वेलोसिटी एंड वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन। सो वी हैव टू एक्सेप्ट दैट व्हेनेवर द बॉडी चेंजेस इट्स डायरेक्शन इट्स मोशन इज ऑलवेज सपोज टू बी एक्सेलरेटेड, इट्स नॉट अ यूनिफॉर्म एक्चुअली इट इज एक्सेलरेटेड एंड the acceleration in that case have to be found out by using vector methods not the normal regular methods okay। to abhi hum yahan pe dekho hum motion in plane kar rahe hain, to agar koi particle jo hai wo kisi bhi aise tedhe medhe raste se agar guzarta hai, maan lo aise raste se wo guzar raha hai theek hai, to abhi dekho yahan pe ki samjho ye uska rasta hai, aise kisi bhi ek raste se wo move karta hai, तो इस समय का जो उसका वेलोसिटी होगा वो तो उस पॉइंट पे टेंजेंशियल होगा कि नहीं, देखो इस समय इस तरफ वो टेंजेंशियल होगा चलो ठीक है, और यहाँ पे अगर थोड़ा देर के बाद अगर हम देखेंगे उसको, यहाँ पे अगर देखेंगे उसका वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में है तो पता चलेगा कि उसका जो वेलोसिटी उस समय होगा वो एक्चुअली उस समय की टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा जरूर। देखो यहाँ पे अगर वेलोसिटी हम निकालते हैं तो वो ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, देखो ये देखो ये हो गया उसका वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट ओके। सो अगर हमने इसको वी बार मान लिया, इस समय का जो उसका वेलोसिटी है उसको हमने सपोज वी बार मान लिया ठीक है, और इस समय का जो उसका वेलोसिटी है उसको हमने वी डैश बार मान लिया, वी डैश बार मतलब फाइनल वेलोसिटी ओके, देन हाउ विल यू फाइंड आउट द चेंज इन वेलोसिटी हियर, तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे यहाँ पे, उसके लिए देखो यहाँ पे ठीक से हमको इसको थोड़ा जूम करके अभी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखो ठीक से इफ वी हैव टू फाइंड आउट द चेंज इन वेलोसिटी हियर देन जस्ट लिफ्ट दिस वी डैश हियर एंड पुट इट हियर, तो इस वी डैश को या वी को उठा के यहाँ पे रखो, कोई भी चलेगा दोनों में से कुछ भी करेंगे तो भी चलेगा, आइदर पुट दिस वी बार एट दिस पॉइंट हियर, तो यहाँ पे देखो ये जो बनेगा हमारा ये वेक्टर जो है वो वी बार बनेगा करेक्ट है, या तो फिर इसको उठा के यहाँ पे रखो दोनों में से कुछ भी चलेगा नो प्रॉब्लम चलो, लेकिन अभी यहाँ पे कैसे जगह नहीं है ना इसलिए हम यहाँ पे इस वी बार को उठा के यहाँ पे रखेंगे चलो ठीक है, ये हमारा वी बार हो गया। अभी अगर इन दोनों को ज्वाइन करने वाला वेक्टर अगर हम एक ड्रॉ करेंगे सपोज, तो वो वेक्टर जो है वो एक्चुअली चेंज इन वेलोसिटी कहलाएगा, ये देखो ठीक से यहाँ पे तो ये है हमारा v बार, ये इस तरफ का जो वेक्टर है वो v डैश बार है राइट, तो ये जो बीच वाला वेक्टर जो है ना ये दोनों को ज्वाइन करने वाला वेक्टर ये जो है ये एक्चुअली डेल्टा v बार कहलाएगा, डेल्टा v बार समझा के ठीक से, क्या किया हमने हाउ वी हैव फाउंड आउट द चेंज इन वेलोसिटी हियर, तो अभी सपोज हमने यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी तो चलो निकाल लिया नो डाउट, अभी अगर हमने
ये जो चेंज है, ये चेंज अगर होता है सपोज डेल्टा टी इतने टाइम के अंदर, तो हम इस इंटरवल के अंदर जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास डेफिनेशन आएगा। तो देखो ठीक से, डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन इन दैट केस विल एक्चुअली बी, देखो यस, द एक्सेलरेशन इन दैट इंटरवल विल एक्चुअली बी डिफाइंड एज ए बार इज इक्वल टू डेल्टा वी बार अपॉन डेल्टा टी। ओके, डेल्टा वी बार अपॉन डेल्टा टी, ये बन गया हमारा एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। देखो ठीक से, एवरेज एक्सेलरेशन विल बी गिवन बाय दिस डेल्टा वी बार अपॉन डेल्टा टी। बट अगेन द सेम प्रॉब्लम अराइजेस हियर दैट इफ वी टेक द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स लाइक दिस, सो इफ सपोज वी कॉल दिस पॉइंट एज द पॉइंट ए हियर एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज बी हियर, देन ए और बी के बीच में जो है डेल्टा टी इतना टाइम इंटरवल है, टाइम गैप है, और इसी वजह से ये दोनों पॉइंट्स डिस्टिंक्ट है, और पॉइंट्स डिस्टिंक्ट होने की वजह से देर विल बी अ मॉडरेट चेंज इन द वेलोसिटी इन दिस टाइम, एंड दैट्स व्हाई दैट एक्सेलरेशन विल बी कॉल्ड एज द एवरेज एक्सेलरेशन। बट एक्चुअली इफ वी वांट टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन एट दिस पॉइंट एग्जैक्टली, ए पॉइंट पे अगर हमको एक्सेलरेशन निकालना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये पॉइंट बी जो है वो थोड़ा इस तरफ करीब लेना पड़ेगा ताकि वेलोसिटी के अंदर ज्यादा चेंज ना हो, और बी पॉइंट ए के करीब जाएगा कब, जब हम फिर से इसका भी लिमिट ले लेंगे, लिमिट एज डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। तो ये लिमिट अगर हम अप्लाई करेंगे इस डेल्टा वी बार अपॉन डेल्टा टी के ऊपर, तो फिर वो कहलाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एंड दैट विल बी एक्चुअली डिनोटेड बाय ए बार, अदरवाइज ए एवरेज उसको हम लिखेंगे, याद रखो ठीक से। और जैसा कि हमको ऑलरेडी पता है कि व्हेनेवर वी टेक दिस लिमिट एज डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो ऑन द रेशियो ऑफ डेल्टा वी बार टू डेल्टा टी, वी अराइव एट द डेरिवेटिव, एंड हेंस वी कैन से दैट हियर एक्सेलरेशन ए बार कैन बी डिफाइंड एज डी वी बार बाय डी टी, रिमेम्बर, एंड दिस इज द रीजन व्हाई द एक्सेलरेशन इज एक्सप्रेस्ड एज द डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। ओके, तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी का डेरिवेटिव इसी रीजन की वजह से है। तो क्या रीजन है इसमें, वी विल हैव टू कंसीडर द लिमिट एज डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो हियर, एंड बिकॉज ऑफ दैट लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो दिस रेशियो इन द लिमिटिंग केस टेक्स द फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव विच कैन बी फाउंड आउट सेपरेटली इन मैथमेटिक्स। उसके जो अलग अलग फॉर्मूले हमने देखे थे वो सारे फॉर्मूले यहाँ पे भी अप्लाई होंगे जरूर, बट लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालने के टाइम ही अप्लाई होंगे, याद रखो ठीक से। व्हेनेवर वी हैव टू फाइंड आउट द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, अदरवाइज इफ यू वांट टू फाइंड आउट द एवरेज एक्सेलरेशन देन वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एवरेज एक्सेलरेशन हम कुछ अगर चाहिए तो एवरेज एक्सेलरेशन निकालने के लिए एवरेज एक्सेलरेशन को हम ए ए वी से डिनोट करेंगे, चलेगा ना, ए वी मतलब क्या, एवरेज, ठीक है। तो एवरेज एक्सेलरेशन निकालने के लिए द टोटल चेंज इन वेलोसिटी व्हिच कैन बी ऑब्टेन टू बी वी बार माइनस यू बार, ऐसा भी इसको लिख सकते हैं, और जो टाइम इंटरवल है तो उसको हम टी भी लिख सकते हैं नो डाउट, या कभी कभी जो कोई कोई टेक्स्ट बुक के अंदर जो फॉर्मूला है एवरेज एक्सेलरेशन का वो ऐसा भी लिखा जाता है, ये देखो ठीक से, तो उसको हम लिखेंगे वी टू बार माइनस वी वन बार अपॉन टी टू बार माइनस टी वन बार। बात तो एक ही हो गई, लेकिन ऐसा बोलो यार, ऐसा लिखो, फॉर्मूला तो वो सिर्फ नोटेशन अलग है, सिंबल्स अलग अलग है, बाकी मीनिंग में तो कुछ बदलाव है ही नहीं, मीनिंग एक ही है, इवन इसका भी मीनिंग वही है, समझा ठीक से। ये जो डेल्टा टी है दैट इज जस्ट अ रिप्लेसमेंट फॉर टी टू माइनस टी वन हियर, राइट, एंड दिस डेल्टा वी बार इज जस्ट अ रिप्लेसमेंट फॉर वी टू बार माइनस वी वन बार हियर, करेक्ट है। सो एंड बट रिमेम्बर, बट दिस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैन नेवर बी फाउंड आउट टू बी अ रेशियो बाय यूजिंग अ रेशियो। तो ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो है वो कभी रेशियो नहीं होता है, वो एक्चुअली लिमिट ऑफ रेशियो हुआ करता है। व्हेन वी टेक द लिमिट ऑफ द रेशियो ऑफ डेल्टा वी बार टू डेल्टा टी बार डेल्टा टी एज डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो देन एंड देन ओनली वी कैन अराइव एट द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन व्हिच हैपेंस टू बी द डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो एक बात बिल्कुल दिमाग में क्लियर फिट करो
कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैन नेवर बी फाउंड आउट एक्सेप्ट डेरिवेटिव. ओके, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालने के लिए डेरिवेटिव के अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं है. ठीक है, याद रखो एक बार ठीक से. कभी भी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन तुमको 9th स्टैंडर्ड या 10th स्टैंडर्ड के मेथड से कभी नहीं मिलेगा. इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालने के लिए तुमको डेरिवेटिव ही निकालना पड़ेगा. तो याद रखो ठीक से, डेरिवेटिव इज अ स्पेशली कंस्ट्रक्टेड ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच इज यूज टू फाइंड आउट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर, एंड इट इज एक्सेसिवली यूज टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इफ यू नो द वेलोसिटी, रिमेंबर. ओके, ओके. अथर्व इज आस्किंग अ डाउट दैट बट हाउ विल यू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स वी एंड वी डैश. वेरी गुड. देखो यहाँ पे अभी अभी हम यहाँ पे थियोरिटिकली काम कर रहे हैं, बराबर, थियोरिटिकली. तो अभी अभी ना हमको इस कर्व का नेचर पता है, ना इस पाथ का कोई इक्वेशन पता है, ना ही हमको किसी ये टाइम इंटरवल एग्जैक्ट कितना है वो पता है, कुछ भी पता नहीं है. तो ऐसा कोई ऐसा एकदम स्पेसिफिक तरीका नहीं है कि जिससे हम ये एंगल निकाल सके, या एंगल इनके दोनों के बीच में कितना है वो निकाल सके. बट अभी देखो, बट इसमें एक बहुत बड़ी बात समझने जैसी ये है कि वी बार और वी डैश बार इन दोनों के बीच में का एंगल बिना फाइंड करके भी तुम इन दोनों के बीच में का डिफरेंस निकाल सकते हो. अभी आप बोलेंगे ये कैसे हो सकता है, वी बार और वी डैश बार इन दोनों के बीच में का एंगल हमको पता नहीं है, फिर भी हम डिफरेंस निकाल सकते हैं इन दोनों के बीच में का, सिर्फ तब जब हम वी बार को और वी डैश बार को अगर आई बार और जे बार के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तब. ओके, यस अथर्व. ओके, तो देखो ठीक से यहाँ पे कि वी बार और वी डैश बार इन दोनों के बीच में का जो एंगल है वो हमेशा हमको पता होना जरूरी नहीं है. अगर वो नहीं भी है हमको पता, तभी भी हम इन दोनों का जो एक्सेलरेशन है वो वैसे भी निकाल सकते हैं. तो वो समझने के लिए तुमको चार पांच एग्जांपल्स करने पड़ेंगे. सो वो हम अभी करने वाले ही है. चलो तो मैं तुमको एक एग्जांपल बताता हूँ, क्वेश्चन बताता हूँ जो तुमको सॉल्व करना है. देखो ठीक से, ओके, टेक डाउन अ क्वेश्चन. देखो, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस फ्रॉम, देखो क्वेश्चन ठीक से पढ़ो. देखो, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल चेंजेस फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट टू 30 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ. इन इन सपोज 10 सेकेंड्स फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन. यस, जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट. देखो ठीक से, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट टू 30 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ इन 10 सेकेंड्स. फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन, जस्ट डू इट योर सेल्फ फास्ट. ओके, टाइम हो गया क्या? ठीक है, टाइम तो हो गया वैसे, बट फिर भी चलो ट्राई करो.
या कल करें? यस नो आंसर। अच्छा चलो ठीक है, मैं ही कर देता हूँ। देखो ठीक से, ये हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, क्या दिया है उन्होंने, इनिशियल वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में है, ईस्ट वर्ड्स, और वो भी कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड। ओके तो वी विल हैव टू एक्सप्रेस इट इन दिस वे, सी हियर, इट इज एक्सप्रेस्ड एज अ वेक्टर which is directed in x direction and its magnitude is 20 meter per second. Okay, so we can call it as u bar. चलो ठीक है, u bar is expressed as 20 i bar. अभी आप पूछेंगे where this i bar came from? i bar कहाँ से आया? क्योंकि it's given that it is towards east, right? तो eastwards मतलब क्या? अगर हम ये x axis मान लेते हैं और y axis मान लेते हैं तो प्लेन में डायरेक्शन, चार डायरेक्शन तो तुमको पता है कि नहीं कैसे होते हैं, तो इस तरफ ईस्ट होता है राइट, इस तरफ वेस्ट, इस तरफ फिर नॉर्थ, और इस तरफ होता है साउथ, करेक्ट है? तो ये सारे डायरेक्शंस है। तो अभी इसमें अगर उन्होंने बोला है कि 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, तो इसका मतलब जरूर वो वेक्टर इस तरफ होना चाहिए, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में होना चाहिए, और हमको ऑलरेडी पता है कि आई बार इज गोइंग टू बी द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, दैट्स व्हाई वी हैव केप्ट इट एज 20 i bar। ओके अभी देखो दूसरा जो वेक्टर है वो हमको दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ, करेक्ट है? तो नॉर्थ डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकेंड, तो कैसे बनेगा वो वेक्टर बताओ। ये देखो ये बन गया उसका वेक्टर, सॉरी 30 मीटर पर सेकेंड है, तो 30 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ मतलब ये वेक्टर बन गया, तो जिसको हम बोलेंगे v bar, which is the final velocity, which is going to be 30 j bar, okay, क्योंकि north मतलब ऊपर तरफ, y axis के positive direction में, जिस तरफ i bar होता है, याद करो, ठीक है? तो अभी ये बन गए v bar और i bar। अभी मुझे बताओ, अगर मुझे change in velocity चाहिए, acceleration चाहिए, तो acceleration का formula क्या है? देखो, acceleration a bar is always equal to v bar माइनस यू बार अपॉन टी, जस्ट अभी अभी हमने फॉर्मूला देखा था। तो देखो v bar कितना है, 30 i bar, सॉरी j bar, करेक्ट है, 30 j bar, एंड व्हाट इज u bar, u bar सी हियर, इट्स 20 i bar, राइट? सो दिस इज 20 i bar एंड दैट इज टू बी डिवाइडेड बाय 10, दैट इज द टाइम। सो व्हाट कैन वी से, व्हाट इज द एक्सेलरेशन इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन? सो द एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी, एक्चुअली अगर हम ये सेपरेट आउट करेंगे तो हमको मिलेगा 30 अपॉन 10 इंटू जे बार माइनस 20 अपॉन 10 इंटू आई बार, सो दैट दिस जीरो गेट्स कैंसल्ड एंड हियर अगेन जीरो 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 गेट्स कैंसल्ड एंड व्हाट वी आर लेफ्ट विथ इज एक्सेलरेशन वेक्टर इज जे बार माइनस आई बार, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज एक्सेलरेशन वेक्टर इज आई ए बार इज इक्वल टू माइनस आई बार plus j bar, that's all, see it here, so this is actually going to be the acceleration in this system, तो यहाँ पे जो acceleration है वो हमको मिल गया जो कि माइनस आई बार प्लस जे बार के बराबर है, और अगर उसका मैग्नीट्यूड हमको चाहिए एक्सेलरेशन का तो इजी है, तो मॉड ऑफ ए बार कैन बी फाउंड आउट टू बी रूट ऑफ -1² + 1² सो दैट वी गेट दिस एज root of 1 plus 1 means it is root 2 only, so we can get that this acceleration vector which is going to be equal to root 2 meter per second square, that's what it say, so root 2 meter per second square, this is going to be actually the acceleration, samjha kya likhe, or abhi yahan pe dekho ki agar hum ye agar use karte the
अगर हमारा नॉर्मल वाला मेथड भी अगर यूज करते थे, ये हमारा ईस्टवर्ड डायरेक्शन और ये नॉर्थवर्ड डायरेक्शन, तो ये 30 मैग्नीट्यूड का है और ये 20 मैग्नीट्यूड का है, और एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमको ये चेंज इन वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। और चेंज इन वेलोसिटी कौन सा वेक्टर मिलेगा, ये देखो ये वाला वेक्टर मिलेगा, दिस विल बी द चेंज इन वेलोसिटी, एंड दिस कैन बी फाउंड आउट बाय यूजिंग द, इफ सपोज वी कॉल इट एज डेल्टा वी हियर, देन डेल्टा वी कैन बी फाउंड आउट बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बिकॉज वी नो दैट डेल्टा वी स्क्वायर इज एक्चुअली गोइंग टू बी इक्वल टू 20 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, करेक्ट है, जिससे हमको मिलता है, अब देखो 20 का स्क्वायर कितना बन गया 400, राइट, 400 प्लस 30 का स्क्वायर कितना बन रहा है, वो बनता है 900, राइट। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, तो फिर यहाँ पे गड़बड़ हो गया, 3 आएगा ना यहाँ पे, 3J बार और यहाँ पे 2I बार आएगा, तो यहाँ पे 2I बार और 3J बार आएगा, करेक्ट, सॉरी सॉरी सॉरी, तो यहाँ पे -2 और यहाँ पे 3, जिससे वो एक्चुअली 4 और 9 करके वो 13 बनेगा एक्चुअली, एक्सेलरेशन विल एक्चुअली बी इक्वल टू रूट ऑफ 13, ओके, विच कैन बी ऑब्टेन बाय दिस मेथड आल्सो हियर। तो देखो यहाँ पे 30 का स्क्वायर कितना हो गया 900, जिसकी वजह से यहाँ पे डेल्टा वी जो है वो कितना बनने वाला है 1300, करेक्ट है, दिस इज गोइंग टू बी द, अच्छा डेल्टा वी स्क्वायर है ना, लेकिन ये तो डेल्टा वी स्क्वायर अगर इतना है तो फिर डेल्टा वी सिर्फ कितना आएगा, उसका स्क्वायर रूट, बराबर, तो अगर हम उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमको मिल जाएगा, तो देखो डेल्टा वी ओनली कैन बी रिटन टू बी रूट ऑफ 1300, वेयर दिस 1300 कैन बी रिटन एज रूट ऑफ 13 × 100, एंड 100 का स्क्वायर रूट क्या बनता है 10, सो वी कैन राइट इट एज 10 × √13, करेक्ट है। तो ये तो चलो डेल्टा वी बन गया, बट वी वॉन्ट एक्सेलरेशन, राइट, तो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है हमको पता है ऑलरेडी, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, करेक्ट है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन विल एक्चुअली बी इक्वल टू डेल्टा वी विच इज गोइंग टू बी 10 √13 डिवाइड बाय डेल्टा टी, द टाइम, हाउ मच इज द टाइम, टाइम गिवन हियर इज 10 सेकेंड्स, सो इफ यू डिवाइडेड बाय 10 हियर देन दिस 10 जस्ट गेट्स कैंसल्ड एंड वी आर लेफ्ट विथ सिंपली √13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी द एक्सेलरेशन फ्रॉम आवर नॉर्मल मेथड, जो हमने अभी देखा था वो मेथड से भी हमको वही आंसर मिल रहा है, और ये जो वेक्टर मेथड हमने यूज किया यहाँ पे तो उससे भी हमको वही आंसर मिल रहा है, देखो ठीक से, ठीक है, चलो ठीक है, तो यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो इस स्क्रीन का, फिर हम रुकते हैं यहाँ पे, ओके चलो ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, विल स्टॉप हियर, बट ये रिवाइज करो, ओके।